राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पारिवारिक वादों के साथ विभिन्न वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के निर्देशन में दिनांक 14/12/2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस लोक अदालत में ऐसे समनीय मामले को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप समनीय प्रकृति के सारे मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें तथा लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले व होने वाले फायदे को आप प्राप्त करें। सर, किस आधार पर लोक अदालत में फैसलों का निस्तारण किया जाएगा? लोक अदालत में समनीय प्रकृति के सारे मामले, चाहे वो दीवानी न्यायालय से हो, फौजदारी न्यायालय से हो, चकबंदी से संबंधित मामले हो, राजस्व से संबंधित मामले हो, जिसमें पक्षकार आपसी सुलह समझौते से मामले को निस्तारित कराना चाहते हैं, ऐसे सारे मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारित किया जाना है। बिल्कुल, इसके अलावा पारिवारिक मामले जिसमें पति पत्नी के बीच कोई डिस्प्यूट हुई हो या कोई ऐसा मामला जिसमें वो समन करना चाहते हैं, वो सुलह समझौता करना चाहते हैं, इसके माध्यम से भी हम पारिवारिक मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाते हैं।